मैं हूँ, अल्लाह का बनाया हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, और वैसे भी किसी का गुलाम नहीं हूँ। मेरा एक थिंकिंग का फ्रीडम है, इररिस्पेक्टिव अगला मेरे बारे में जो भी सोचता हूँ। यू नीड टू बी सैटिस्फाइड विद योरसेल्फ एंड यू आर नॉट अ लूजर, नॉट एट ऑल अ लूजर। ये सब स्टार्ट होगा जब आप बैठेंगे थोड़ी सी मस्तियों से बाहर निकल के, स्टार्ट बीइंग अ लिटिल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सस्सी पुन्नु का ट्रैक तो हम ऑलरेडी जो है वो पिछली वीडियो में सारा दिखा चुके हैं। आज दोबारा आए थे सस्सी पुन्नु, तो आज हमारा प्लान था जरार शाह का, और जॉइंट वेंचर था कुछ अदर ग्रुप्स के साथ, तो लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो लोग नहीं ज्वाइन कर सके, तो उनके साथ हमारा आज ट्रैक था जरार शाह का। तो हियर वी गो, जरार शाह स्टार्ट है, और फर्दर मोर जो है अंदर जाके देखते हैं कि कैसा ट्रैक होगा। तो बाकी जो भी सिनेरियोज हैं वो अंदर वाले आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू सो मच, लेट्स बिगिन। हाँ कैप्टन, कुछ मिला? लोकेशन तो जरार शाह की है, फॉर द मोमेंट अभी देखो लोकल अरेंज किया है, अगर हो जाता है तो फिर बंद कर दो। हाँ, जरार शाह गए थे अंदर, जरार शाह भी हम तकरीबन ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर अंदर गए, तो रस्तों की जो ना कंडीशन ये है, एक रास्ता इधर निकल रहा है, एक तरह इस तरह निकल रहा है, तो काफ़ी हद तक हम अंदर गए, और वहाँ जाने के बाद जो है वो चारों तरफ जो है ना वो बस रोड ऐसे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि हम अंदर और ज़्यादा जाएँ या ना जाएँ। तो हम वहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स रिटर्न आए और सस्सी पुन्नु की तरफ रिटर्न आए, और यहाँ से एक लोकल को कहा है कि वो हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, तो अब इसकी गाइडेंस लेके इंशाल्लाह फिर हम जरार शाह जाते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट ट्रैक है और काफ़ी हद तक हमने कोशिश की। हम लोग अक्सर काफ़ी रिस्क लेते हैं, चले जाते हैं, बट अंदर जाके ना बहुत ज़्यादा ही रास्ता बाइक के टायर्स के निशान भी ख़त्म हो गए थे, आई थिंक हम लोग रॉन्ग रूट पर निकल गए थे। देखें अभी क्या होता है, अगर बंदा आ जाता है तो फिर हम जरा अच्छा कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मज़ा आ गया फाइनली भाई, आ रहा है हमारा कारिंदा, और ये जो है ना ये मेरा दोस्त आ रहा है, ये हमने इससे हेल्प मांगी है, कहा है इसको कि जो है वो हमें जरा अच्छा तक जो है ना वो छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरशद। अरशद भाई, फिर आप हमें जरार शाह लेके जा रहे हैं, ठीक है, चलें अरशद भाई के साथ जरार शाह चलते हैं हम लोग। हाँ, वाया सस्सी पुन्नु टू जरार शाह, टू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 70 हम यकीन करो 70 पकड़ भी नहीं पा रहे, और ये सस्सी पुन्नु से जरार शाह का ट्रैक है। लोकल के साथ हमने जो है वो प्लान किया कि चलेंगे, बट डेजर्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आगे देखते हैं क्या होता है। बट अगेन आई वुड लाइक टू से डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 70 वाओ, कच्चे के लिए 70 इज़ द बेस्ट। हाँ गो, ये है जरार शाह का ट्रैक, सस्सी पुन्नु से जरार शाह जाते हुए, जिसका सुना था कि बहुत टफ ऑफ रोडिंग है, और देख के वाकई पता लगा कि बहुत टफ ऑफ रोड है। ये पूरा एक डिजर्ट टाइप का ट्रैक है, जिसमें बाइक चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, और अभी हम जरार शाह की तरफ रवा दवा है। बाइकों से ज़्यादा हमारी हिम्मत जवाब दे गई है कि कैसे कवर करेंगे ये। स्टार्ट में तो देख के नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। फंस गई। यार निकल गए भाई, निकल गए। डेजर्ट। मजा आ गया ऑन द वे टू जरार शाह। अच्छा जो लोग वाइब यार, नाउ इट्स टाइम टू परफॉर्म वाइब यार।
Yes. Okay, let's go. भाई भी आर की परफॉर्मेंस, जो लोग भाई भी आर को बैंडर पावर समझते हैं तो भाई भी आर इज ऑल्सो रिलायबल गाड़ी फॉर ऑफ रोड ट्रैक। भैया जी वाट लग गई है, बड़ा शौक था हमें आज एडवेंचर का, एडवेंचर हुआ आज और बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत क्लासिकल ट्रैक है। हाँ, ओह माय गॉड, ये सो कॉल अंडर पावर भी बड़ी जबरदस्त चल रही है और बहुत जबरदस्त रिस्पांस कर रही है वाईबीआर भी, मजा आ गया भाई। नाउ मूव टू जरार शाह, मिलते हैं आगे। जरार शाह का सीन था और जो है ना हालत हो गई है टाइट, कुछ नहीं बचा यहाँ पे बचाने के लिए, कुछ नहीं बचा देने के लिए, गाड़ियों की लग गई है वाट। और यहाँ हमें एक भाई मिले, नाम क्या जी? मंजूर बलोच। मंजूर बलोच भाई मिले, ये माशाल्लाह 70 के ऊपर, ये इनकी 70 है और ऐसे रॉकेट की तरह आ रहे थे। ओह माय गुडनेस, फाइनली जरार शाह, वाह आउटस्टैंडिंग ट्रैक था। मैं बस ये रिकमेंड करूँगा कि ऐसे आप ऐसे लोग या ऐसे दोस्त जिनके अंदर टॉलरेंस ना हो, मैं कभी उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो जरार शाह का ट्रैक करें, और किसी भी ग्रुप को नहीं कहूँगा कि ऐसे लोगों को साथ लेकर आएँ जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। मैंने बलूचिस्तान के बहुत ट्रैक किए, बहुत, और जो लोग जानते हैं हमें उन्हें पता है बलूचिस्तान के काफ़ी ट्रैक किए, मगर ये जो है ना, नाउ इट्स टाइम टू गो इनसाइड ऑफ दिस शरीन। अंदर जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। हालत बहुत टाइट हो गई है, बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोड था, आउटस्टैंडिंग। लेट्स गो टू इनसाइड। हेलो व्यूअर्स, नाउ इनसाइड ऑफ जरार शाह पहुँच तो गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत हालत टाइट हो चुकी है। There is a boat, शेख बाबा जरार पीर दरगाह। यहाँ पे ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड के साथ ही जो एक टॉम बना हुआ है और वाइजा दिया, और ये बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले मैं अपनी टीम के कुछ लोगों से बोलता हूँ, अच्छा हुआ लेजेंड और चौधरी तुम नहीं आए, क्योंकि ये ट्रैक करने वाला नहीं था। और बाकी रईस भाई, आई हैव डन, मैंने कहा था इंशाल्लाह आज करूंगा, आप अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ट्रैक करना था, आप नहीं आ सके, और दिस क्लिप इज फॉर यू, आई एम हेयर एट जरार शाह। और थैंक यू सो मच उन लोगों का, बहुत सारे लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे लोग हमसे काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे जो लोग अप्रिशिएट करते हैं वो कहते हैं कि हम अपने आप को शो ऑफ कराएं, बट इंशाल्लाह बहुत जल्दी वी विल शो सीन, वी विल शो सून इंशाल्लाह। और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का,
दरगाह। बाकी अंदर की वीडियो मैं खुद क्रिएट नहीं करूँगा और अब यहाँ से बहुत जल्द हम निकल लेंगे इंशाल्लाह। नाउ फाइनली वे बैक टू होम। ऑलमोस्ट जरार शाह हमने डन कर लिया। हम आए थे सस्सी पुन्नु वाले रास्ते से, देन वहाँ से जरार शाह, और अब यहाँ से निकलेंगे हम सिविंदर, विंदर से हब और देन फिर कराची। फाइनली जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। हम इतनी मेहनत करते हैं ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस पर कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि हमारा काम कैसा चल रहा है, और आप लोगों की सपोर्ट के बिना ये सब काम बेकार है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ फाइनली यहाँ पे हम बाहर आ चुके हैं और अब हम घर के लिए रस्ते पे हैं। घर के लिए रस्ते पे नहीं होते फिर किस बोलते हैं? ये हमारा नया व्लॉग है, थोड़ा टाइम लगेगा, घर लगेगा, और मेरे पास सारे काम इसी करने हैं तो इंशाल्लाह। और लीजेंड खड़े हैं हमारे।